हेलो क्लास सेवेंथ, चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू आर टर्न ऑन योर कंप्यूटर यू मे फील दैट यू आर इन कंट्रोल विद द ट्रस्टी कंप्यूटर एंड माउस। यू कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, स्विंग ऑन योर अप योर म्यूजिक लाइब्रेरी ऑन इंटरनेट ब्राउजर एज द स्लाइडेड विथ A thought is the easy to feel like a director in the front of your desktop or laptop. There is a lot going on inside, and the real power behind the certain handling and the necessary task in the operating system. अगर आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये आपके नियंत्रण में है। भरोसेमंद कंप्यूटर के साथ आप स्क्रीन पर नहीं बल्कि कहीं भी स्थानित कर सकते हैं। आप अपने संगीत, पुस्तकालय, इंटरनेट पर थोड़ी सी आहट पर बुला सकते हैं। यह आपके डेस्कटॉप या सामने एक निर्देशक की तरह महसूस करना आसान है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है और पर्दे के पीछे भी वास्तविकता शक्ति अवश्य ऑपरेटिंग आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालती है। एवरी अर्ली कंप्यूटर वॉज वेयर बिल्ट टू परफॉर्म इस सीरीज सिंगल टास्क लाइक कैलकुलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न अंडर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द अंटिल इन अर्ली 1960s। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर सच एज रेसिडेंट मॉनिटर फंक्शन द कुड ऑटोमेटिकली रन डिफरेंट प्रोग्राम इन सेशंस टू स्पीड अप प्रोसेसिंग वे डेवलप्ड इन द 1950। अब इसको जानने के लिए जानते हैं, जो कंप्यूटर को एक कैलकुलेटर की तरह एकल कार्यों के एक श्रृंखला करने के लिए बनाया गया था। 1960 के साल की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आधुनिक और अधिक जटिल रूपों से मौजूद नहीं थे। मूल ऑपरेटिंग कार्यों जैसे कि निवासी मॉनिटर फंक्शन, जो प्रसारण में तेजी लाने के लिए उत्तराधिकारी के स्वचालित रूप से विभिन्न रूप में चला सकते थे। 1950 के टाइम में विकसित किए गए थे, ठीक है। तो हार्डवेयर फीचर्स दैट इनवैलिड यूज ऑफ रन टाइम लाइब्रेरीज इंटरप्रेट्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग वेयर एडेड, ठीक है। तो हार्डवेयर सुविधाओं जो रन टाइम लाइब्रेरीज इंटरनेट और समांतर प्रोसेसिंग के उपयोग में सक्षम करती है। When personal computer become popular in 1918, the operation system made for them was similar in concept to those used to larger computer, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जो कंप्यूटर में चलता है, क्योंकि ये अन्य सभी कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर बिकॉज इट मैनेज ऑल द ऑर्डर प्रोग्राम। इट इज स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्स, इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट ऑल्सो फैसिलिटीज द शेयरिंग ऑफ द सिस्टम रिसोर्स अमंग डिफरेंट एप्लीकेशन। यह विभिन्न संसाधनों के बीच सिस्टम संसाधनों को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम provides a platform the application software to run. It acts as a host for such application. As a host is free application program for having to manage hardware details, the system makes it easier for program to write application program. ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह एक मेजबान के रूप में कार्य करता है, जैसे अनुप्रयोग एक मेजबान के रूप में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर वितरित प्रविधन करने से मुक्त करता है, या बदले में कार्यक्रम को एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने में आसान बनाता है। सिस्टम अधिक अब यहाँ देखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
यहाँ पे द कंप्यूटर यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इन टर्न इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज टर्न इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. दस द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एज वेल. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बदले में कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के रूप में अच्छी तरह से रूप में उपयोग करता है. हार्डवेयर कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन करता है. वी मे देयर फोर से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिंग द स्पीड एंड पावर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर क्लोजर दैन कंप्यूटर यूजर्स. उसका ये उसके जो स्पीड्स होते हैं वो यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चलाता है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्लोजर जो कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है उन दोनों के बीच जो स्पीड का जो पावर होता है वो काफ़ी तालमेल करके ही सिस्टम जो होता है वो उसको प्रदान करता है. हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द अर्लीस्ट कंप्यूटर हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर ऑफ दैट टाइम वेयर वेरी primitives. Only one person could use a computer at a time. All the resources of the computer were at his disposal. Moreover, at the time programming language were not used, so each user wrote all the code including the complicated machine level input output instruction. To get over his problem and input output control system known as IOCS was developed. User no longer had to code input output instructions. Instead, they used IOCS. The simplified the speeded up the coding process. Use of IOCS marked the beginning of use of operating system in computer. The first major IOCS was designed by the General Motors Research Laboratories in 1956 for these IBM 701 mainframe. This was the considered to be the first ever operating system. सबसे पुराने कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. उस समय के कंप्यूटर बहुत ही प्रधान थे. उस समय में केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग कर सकता था. कंप्यूटर के सभी संसाधन द्रुद्वी थे. इसके अलावा उस समय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाता था. इसलिए प्रत्येक उपयोगकर्ता ने जटिल मशीन स्तर इनपुट आउटपुट निर्देशों के सहित सभी कोड लिखा था. इस समस्या से निपटने के लिए एक इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम जिसे IOCS के रूप में जाना जाता था विकसित किया गया. जब उपयोगकर्ता ने जब कोई कोड इनपुट आउटपुट IOCS का इस्तेमाल किया. इस सरल और तत्विक में कोडिंग प्रक्रिया में IOCS के उपयोग ने कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की उपयोग की शुरुआत को चिन्हित किया. 1956 में IBM ने 701 मेनफ्रेम के लिए जनरल मोटर्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा पहला प्रमुख IOCS डिजाइन किया गया था. इन 1974 डॉक्टर गैरी ए हिलाडेल क्रिएटेड CPM एंड M एज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द इंटेल कॉरपोरेशन न्यू माइक्रो प्रोसेसर. बाई 1977 इट हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रो कंप्यूटर. 1974 में डॉक्टर गैरी ए किल्डेल ने CPM को इंटेक्ट कॉरपोरेशन ने नए माइक्रो प्रोसेसर के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया. 1977 तक ये माइक्रो कंप्यूटर के लिए सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था. अब जानेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये तो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे. ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क है जो आप जब स्कूल ओपन होगा तो हम इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल करेंगे इसी के ऊपर. ठीक है, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल फर्स्ट होगा वो पहले फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा. ठीक है, अब यहाँ पर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो टाइप जान लीजिए क्या होते हैं. पहला होता है MS-DOS और विंडोज़. और विंडो और MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये होते हैं दो तरह के. अब विंडो में MS-DOS तो वही है लेकिन विंडोज़ में
अभी तक कई विंडोज आ चुके हैं, जैसे विंडो XP आ चुका है, विंडो 7 आ चुका है, विंडो 8 आ चुका है, विंडो 10 आ चुका है, ठीक है। तो ये विंडोज़ के कई सारे मतलब नए नए इम्प्रूवमेंट होकर डाले जा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एमएस डॉस के बारे में, ठीक है। अब देखो एम एस डॉस के बारे में दिया होगा तो पढ़ाते हैं, ठीक है। एस ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज नोन एज GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूज़र टू गिव कमांड टू इट बाई क्लिकिंग द माउस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। एग्जाम्पल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है, जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो हर एक कमांड के लिए अलाउ किया जाता है या अलाउ होता है। वो हर माउस के लिए माउस उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, जो स्क्रीन पे कोड के साथ GUI के साथ काम करता है। और GUI जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही एक पार्ट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए करेक्टर यूज़र इंटरफेस इज आल्सो नोन एज CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI का मतलब होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऑर्डर टू गिव कमांड टू सच ऑपरेटिंग सिस्टम कीवर्ड एसोसिएट विद द स्पेसिफिक टास्क मस्ट बी टाइपेड यूजिंग ऑन द कीबोर्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज एमएस डॉस। जैसे यहाँ पे GUI था, GUI के लिए क्या था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट माउस था। और उसी तरह CUI के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है, कीबोर्ड है। CUI जो होता है वो कमांड, एक कोड जो देता है वो करेक्टर यूज़र, करेक्टर मतलब करेक्टर, करेक्टर का मतलब वर्ड्स, कोई भी स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं। वो कमांड करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वर्क करने के लिए, वो कमांड देता है। जो कमांड हम कहाँ दे सकते हैं, कीवर्ड से, मतलब कीवर्ड मतलब कीबोर्ड से, ठीक है। जो CUI होता है वो MS DOS का एक पार्ट होता है। अब देखिए मल्टी MPS मतलब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हंड्रेड से थाउजेंड यूज़र एक साथ एक ही सर्वर पर काम कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में हो गया लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, वो भी सेम होता है, ठीक है। उस पर कौन सा लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़। बस फ़र्क इतना होता है कि मल्टी यूज़र में एक साथ काम, मल्टी यूज़र में एक एप्लीकेशन पे एक साथ में लोग काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार में खुला एप्लीकेशन पे कई सारे लोग काम कर सकते हैं, बस फर्क इतना ही होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम, आते हैं सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लिनक्स। यूनिक्स और लिनक्स क्या होता है, पहले समझते हैं यूनिक्स और लिनक्स का मतलब क्या होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय 1969 बाय ग्रुप ऑफ AT&T बेल लैब्स। यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो असलियत में जो डेवलप हुआ था 1969 में हुआ था, जिसको डेवलप किया था एक ग्रुप था, इसका नाम था AT&T बेल लैब्स। एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डीन केन थॉम्सन, डेनिस रिची और डॉगलास मैकलॉय एंड जोए ओसाना। जो AT&T बेल ग्रुप में थे उनका नाम था केन थॉम्सन, डेनिस रिची और डुगस मैकलॉय एंड जोए ओसाना। इन द 1780s यूनिक्स वॉज यूज वाइडली द एकेडमिक पर्पज़। एकेडमी मतलब किसी भी संस्थान में उसके उपयोग के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगा। यूनिक्स जो था, जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, वो 1780 मतलब 1970-1980 के बीच बहुत जल्दी से काम करने लगा। उसके बाद आया द यूनिक्स वॉज यूज वाइडली फॉर अकेडमी पर, हाँ ठीक है। लेटर इज एडॉप्टेड बाई सोलरिस, HP UX एंड AIX। उसके बाद इसे दूसरे कंपनी ने ले लिया, सोलरिस और HP UX और AIX। लिनक्स इज द यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो था एक यूनिक्स के तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट वॉज डिजाइंड टू प्रोवाइड कंप्यूटर यूज़र ए फ्री फॉर ए वेरी लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो था वो पहले से ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि ये फ्री था और बहुत ही कम दाम का ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो कंपेयर किया गया यूनिक्स से, वो यूनिक्स इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था, लेकिन जो लिनक्स था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, ठीक है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट। ये यूनिक्स से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था और काफ़ी ज़्यादा तेज़। इट इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन वेब सर्वर एंड इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन वर्क स्टेशन एज वेल। ये जो था यूनिक्स से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और ये अधिकतर वर्क स्टेशन पे कार्य जंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया इस इसके हिसाब से। द कोड ऑफ लिनक्स इज अवेलेबल टू एनी वन हु वांट्स टू एनालाइज एंड मॉडिफाइड। लिनक्स को कोडिंग करके उसे और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा विकसित उसे बनाया गया। बट इट इज़ ए मैंडेटरी
फॉर सच पीपल टू मेक देयर चेंजेस अवेलेबल टू द पब्लिक। और इसे कई तरह लोगों ने अलग अलग पब्लिक की जगहों पर अलग अलग तरीके से उपयोग में लाया गया। ठीक है, अब विंडोज एक्सपी था, और विंडोज एक्सपी जानते ही हैं, विंडोज एक्सपी जो सबसे पुराना विंडोज था, ठीक है, उससे पहले विंडोज 2000 भी आया था। तो विंडोज एक्सपी इज़ ए लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज एक्सपी का यूज़ किया गया। उसके बाद इट वॉज रिलीज वर्ल्ड वाइड इन 2001, पूरे वर्ल्ड में इसे रिलीज किया गया 2001 में। इट प्रोवाइड्स ए बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट इज़ वेरी फ्रेंडली, इट अलाउज ए न्यू यूजर टू लॉग इन एवर टू द प्रोवाइड यूजर हैज़ नॉट लॉग्ड आउट। पुराने न्यू यूज़र पे लॉग इन कर सकते थे, और जो पुराने यूज़र रहेंगे वो उस पर बने रहेंगे और नए उस पर और लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज द यूज़र ऑफ राइट फाइल्स टू ए सीडी विदाउट इंस्टॉलिंग ए स्पेशल सॉफ्टवेयर। इस पर बिना सीडी लगाए कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड द हाइबरनेट फीचर इस विंडो एक्सपी। द फीचर सेव्स पावर, इट आल्सो द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप क्विकली। इस विंडो एक्सपी में काफ़ी सारे एफिशिएंट था, जो बहुत जल्दी खुलता था, और इसमें जो पावर था बहुत कम यूज़ होता था, और ये जो कंप्यूटर स्टार्ट होता था बहुत जल्दी खुलता था कंप्यूटर। ठीक है, फिर आते हैं विंडो सेवन जो था। विंडो सेवन इज़ अवेलेबल सिंस 22 अक्टूबर 2009। विंडो सेवन जो था वो 2009 में 22 अक्टूबर को दिन अवेलेबल वर्ल्ड में आया। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम होम, घर में आप यूज़ करते थे, एज वेल एज बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते थे। इसमें सी और सी प्लस प्लस इज असेंबली एंड जो असेंबली लैंग्वेज वेयर यू डेवलप कोड फॉर विंडो सेवन। तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज थे और असेंबली लैंग्वेज थे, उसे डेवलप कोड मतलब विंडो सेवन में उसको डेवलप कोड का दर्जा दिया गया यूज़ करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल इज मेनी एडिशन एंड हैव लॉट्स ऑफ न्यू फीचर। विंडो सेवन था तो अवेलेबल हुआ और काफ़ी सारे नए मतलब एडिशन के रूप में, और इसमें कई सारे नए नए फीचर्स भी थे। विंडो एट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो जो था लेटेस्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का, अब उससे भी नया नया वर्जन आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है 26 अक्टूबर 2012 को ये रिलीज़ हुआ था, लेकिन अब विंडो 7 से विंडो 8 भी आया, विंडो 10 भी आ चुका है। ठीक है, तो विंडो 8 इज़ यूज्ड फ्रॉम होम, विंडोज भी अपने घर में यूज़ कर सकते थे, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सी और सी प्लस प्लस असेंबली लैंग्वेज भी है। ठीक है, उसको ऐसा कोडिंग किया गया कि विंडो 8 के लिए उसमें कोडिंग किया गया है जो सी और सी प्लस प्लस आए हैं। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ विंडो 8 इज़ कॉल्ड विंडोज़ आरटी, इज़ डिज़ाइंड फॉर डिवाइस लाइक टैबलेट एंड पीसी। विंडो 8 में भी ऐसा फंक्शन लाया गया है विंडो आरटी, जो अपने पीसी में, अपने टैबलेट में, एंड्रॉयड आईओएस मतलब एप्पन के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट ऑफर डिवाइस लेवल इंक्रिप्शन एंड टच बेस्ड ऑफिस सूट एंड ऐप। इसमें डिवाइस जो लेवल है उसको टच बेस्ड पीस को बनाया गया है। इसका अलग से ऐप है, ऑफिस सूट्स ऐप से भी आप बना सकते हैं, या इसको टच बेस्ड पे भी बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपके ऋषिकुल विद्यापीठ का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे अपना एडमिशन नंबर और अपना पासवर्ड अपने स्कूल से ले लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं हो तो स्कूल से ले लीजिए, और बुक से भी रीडिंग लगाइए। बुक नहीं हो तो बुक आपके स्कूल में अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।